प्रदेश के औरैया में एक दलित छात्र की मौत पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया और तो और पुलिस की दो गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। आग में दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मौके पर पहुंचे डीएम की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा और उस पर पथराव किया। यही नहीं, छात्र की मौत से नाराज भीम आर्मी के कार्यकर्ता काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर काफी देर तक प्रदर्शन किया। दलित छात्र के शव के साथ वो हंगामा करते रहे। इस हंगामे को शांत करने के लिए आईजी रेंज कानपुर प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। छात्र का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे लोग टीचर के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस घटना के बाद से आरोपी टीचर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों को भी लोगों के विरोध को देखकर कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए भारी संख्या में। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। पुलिस वालों की तैनाती करनी पड़ी। प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपी टीचर को पकड़ने की मांग करते रहे। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम्स बनाई गई हैं। आगजनी और पथराव की घटना से वहां आसपास के लोग खौफ में आ गए, जिसके बाद पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। आरोपी के टेस्ट में गलती करने पर 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र की एक टीचर ने खूब पिटाई की, जिससे वो बेहोश हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।